हाँ खा सकते हैं, वेरी श्योर। देखिए मटके टूट चुकी है, दैट्स द पीस। सो गाइस वी विल स्टार्ट विद द वन ऑन वन नाउ एंड यू कैन हैव हिज फोटो ऑप्स नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू गौतम, थैंक यू गाइस। सर कैसे हो आप सब? थैंक यू यार। गौतम बहुत प्यारा लगा प्रोमो, और जैसे मैंने इनको सबसे स्टार्टिंग में कहा, मैं खुद भी बहुत इंट्रीग था क्योंकि ये सब देख के लग रहा था कि यार ये कैसी बर्थडे पार्टी है। मैंने भी जब आके देखा तो मुझे भी लग रहा था ये कैसे बर्थडे पार्टी। और आपने भी पिछले कुछ दिनों में कुछ एक चीज़ें की जिससे कि हम सब और इंट्रीग्ड और एक्साइट हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। तो गौतम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रहस्य से थोड़ा सा पर्दा उठाइए सबके लिए। जी जी बिल्कुल। ये काल भैरव रहस्य 2 जल्दी आ जाएगा। सी बेसिकली ये जो स्टोरी लाइन है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब ये मुझे पता चला था कि एग्जैक्टली ये मेरा शो क्यों उठाने का रीज़न था, ये एग्जैक्टली यही रीज़न था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है वीर। वीर 29 साल का हो गया है जो आज आप सबकी सभी के साथ बनाएगा वो अपना बोतरे, और 30 साल से पहले उसकी मौत तय है। तो ये जो कैरेक्टर है जो हमारा ये लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का भी था, तो बेसिकली ये लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एज वीर था। ये डायरेक्टली हमारी स्टोरी लाइन से लिंक्ड है। मतलब इसका ऐसा होता है कि कोई होता ना कि आप जब प्रमोशन करते हैं या स्ट्रैटेजी करते हैं तो आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी अलग होती है और आपकी स्टोरी लाइन एकदम ही अलग होती है, मगर ये डायरेक्टली एकदम ही साथ में मिली हुई चीज़ थी कि मुझे एक साल के अंदर बेसिकली ये रहस्य ढूंढना है कि ये एक मैन मेड मिस्ट्री है, मतलब कि ये किसी कोई इंसान कर रहा है या ये काल भैरव भगवान कर रहे हैं। जैसे आपने प्रोमो में देखा होगा कि श्राप मिला हुआ है खानदान पर, मैं उसका आखिरी वंशज हूँ। बेसिकली ये लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एज वीर है। तो सी आजकल वही मैंने जैसे पहले बोला कि यू हैव टू ब्रेक थ्रू द क्लटर, कि आपको कुछ नया स्ट्रैटेजी लानी होती है, पर एट द सेम टाइम हमें क्यूरियोसिटी और इंट्रीग क्रिएट करना है। इसको लेके हमें स्ट्रेस और टेंशन नहीं क्रिएट करनी, हमारा पहले का मुद्दा एकदम क्लियर है। तो जब ये स्ट्रैटेजी आई मेरे पास मुझे डिफरेंट लगी, तो हम लोगों का एक डिसीजन था कि हम, क्योंकि शो की थीम, ये जो शो की स्टोरी है वो डायरेक्टली इस थीम के साथ जाती है। तो जो वीर है वो 29 साल का हो चुका है, उसके पास एक साल है ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कि भले वो एक साल में ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको इसका लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एज वीर बोला जा रहा है। ओके सर, पर्सनली जैसा आपने देखा है कि इसमें ऐसा दिखाया है कि शापित रहते हैं जो है वीर है, तो ये पर्सनल लाइफ, डू यू बिलीव इन दिस? पर्सनली आप पूछे तो नहीं, कैरेक्टर बिलीव करता है। अगर आप मुझसे पर्सनल पूछना चाहें कि मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं करता, मैं नहीं करता, बट कैरेक्टर वीर का जो कैरेक्टर है वो बिलीव करता है, क्योंकि उसके खानदान में ये 150 सालों से ये चल रहा है। तो 150 सालों में जो उसके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर थे, उन्होंने कुछ गलत किया था एक महिला के साथ काल भैरव के मंदिर, तो वहाँ से जो श्राप मिला है इनको, तो उसके पूरे खानदान में चलते आया है तब से, कि 30 साल से ऊपर इसके खानदान में कोई, मतलब जो मेरे खानदान में कोई भी जी नहीं पाया आज तक, ना मेरे पिताजी, ना मेरे दादाजी, ना उन परदादाजी, कोई नहीं जी पाए। तो बेसिक अब आखिरी वंशज मैं बचा हूँ, और मैं 29 साल का ये हो गया आज के दिन में जो आप सभी के साथ मैंने बनाया है, और मेरे पास एक साल है ये सॉल्व करने के लिए, कि क्योंकि बीच बीच में ऐसी भी चीज़ें होंगी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन इसलिए बन जाती है कि हम मिस्ट्री थ्रिलर तो बहुत देखते हैं, मगर उसके अंदर हम ये देखते हैं कि चार लोगों पे शक जाता है, 1, 2, 3, 4, मगर इसमें चार लोगों के साथ ऊपर वाला भी। तो अब ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि भगवान जी कर रहे हैं, काल भैरव भगवान कर रहे हैं, या कोई इंसान उनके नाम पे कर रहा है, यही कहानी है। यार मेरे को, यार पहली बार किसी ने ये सवाल पूछा, मतलब मैं इतना तड़ा पर आता है, मैंने कहा यार कोई तो पूछ लो कि भाई अगस्त में बर्थडे, कोई तो समझ लो कि बर्थडे सेलिब्रेशन बोल रहा हूँ, यार लास्ट बर्थडे नहीं बोल रहा हूँ। किसी को समझ नहीं आई, मतलब लास्ट बर्थडे पे जो चले गए, मैंने कहा लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन पर, सेलिब्रेशन पे स्ट्रेस डालना पड़ा मेरे को। नहीं नहीं अब तो मज़ा आ रहा है क्योंकि सब अब बाहर आ चुका है, और ये वीर का बर्थडे है, बट मेरा बर्थडे अगस्त में होता है यार, 14 अगस्त को, सबको पता है, मतलब जितने भी मेरे एडमायरर्स हैं खासकर उनको तो पता ही है। तो यस, गिफ्ट तो आप दे रहे हैं? गिफ्ट आज मैं दे रहा हूँ, आप सबको बुला रहा हूँ, केक खिला रहा हूँ, कमाल कर रही हैं आप, ऐसा थोड़ी। हाँ जी,
सी ऑनेस्टली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. ये बेसिकली ऐसा कुछ इसमें प्रिपेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट करने वाला नहीं था. स्टोरी लाइन अपने में इतनी इंटरेस्टिंग है ये कि स्टोरी लाइन ही इतनी डिफरेंट है कि वो जो कैरेक्टर है वो स्टोरी से ही बाहर निकल के आ जाता है. तो मुझे एज एन एक्टर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि स्टोरी इतनी अच्छी तरह लिखी गई है कि मेरा कैरेक्टर उसी के अंदर अगर मैं उसको अच्छी तरह एज अ सेंसिबल एक्टर फॉलो करूं तो मेरा कैरेक्टर अपने आप डिफरेंट हो जाता है, जो हो मेरे हिसाब से हुआ है. बाकी तो फिर आप लोग देख के बताएंगे. हाँ हाँ बिल्कुल कमाल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है. अभी अभी शादी हुई है तो क्या बात है, रोमांस तो करूँगा. गौतम दूसरा सीज़न है तो पहले सीज़न के मुकाबले ये काफ़ी प्रेशराइज हो जाता है एक्टर के लिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, लोगों को पसंद आए, तो ऐसा यार देखिए ऑनेस्टली बताऊँ पहला सीज़न मैंने नहीं देखा तो मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं बोलूँगा कि मैंने पहला फॉलो किया और मैंने पहला नहीं देखा, मगर पहले की तारीफ बहुत सुनी है. पहला बहुत अच्छा चला है चैनल के लिए, नंबर वन रेटेड TRP लाया था चैनल के लिए. तो डेफिनेटली दूसरे से भी उम्मीद की जाती है जब पहला चल जाता है कि दूसरा भी चले. अब चाहते तो सब यही है, मैं भी यही चाहता हूँ. अब बाकी तो भाई ऑडियंसेस के हाथ में है, सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो मेहनत करूँगा बस. ओके सर, पास्ट में आप जो भी सीरियल कर चुके हैं अभी तक डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर रहा है, यू आर ऑल्सो नोन एज अ वर्सेटाइल एक्टर ऑफ बॉलीवुड. सो क्या ये इसमें ऐसे कैरेक्टर क्या था ये कैरेक्टर में जो आपने हामी भरी? सी सबसे पहले मैंने स्टोरी के लिए हामी भरी. स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, इतनी मतलब अच्छी तरह. सी मिस्ट्री थ्रिलर जैसे मैंने अभी एक कहा कि बहुत आता है, बहुत आती हैं, मगर जब आपको जब वहाँ पे आ जाता है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि कोई आदमी कर रहा है. पहले तो होता ना कि आपकी मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस यार ये चार किरदार हैं फिल्म के अंदर या TV के अंदर, ये चार में से होंगे. अब 1, 2, 3, 4 बार बार शिफ्ट होता है, ब्लेम ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रही है, वो कर रहा है. अब यहाँ पे ये तो हैं साथ में भगवान जी भी हैं, तो अब यहाँ से हो रहा है कि ये सारे लोग कर रहे हैं मिलके. तो अब इस इंसान को, वीर को, खतरा सिर्फ लोगों से नहीं है, ऊपर वाले से भी है, मतलब उस श्राप से भी है. तो अब यहाँ पे इसको ये सॉल्व करनी है मिस्ट्री. एक साल बचा है कि यार इनमें से कोई है कि डिवाइन इंटरवेंशन है. डिवाइन इंटरवेंशन है तो ये रोक नहीं सकता, इनमें से कोई है तो रोक सकता है. तो ऐसी सर्कमस्टांसिस उसकी होंगी शो में, वीर के साथ ऐसे एपिसोड्स में आएंगा कि कहीं कहीं जब जब उसे लगेगा नहीं यार ये तो भगवान नहीं है, ये तो कोई इंसान है, फिर सडनली कुछ ऐसा होगा नहीं यार ये इंसान तो कर ही नहीं सकता, ये तो भगवान कर रहा. तो ऐसी चीज़ें जब मिलती हैं तो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो एज एन एक्टर सी जैसे मैंने आपको कहा मैं श्राप में बिलीव नहीं करता, मगर ये कैरेक्टर बिलीव करता है. तो इसके दिमाग में जो मनोस्थिति होगी इस इंसान की वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा उसके लिए कि यार कर कौन रहा है, कोई घरवाला कर रहा है, कोई दूसरा दुश्मन कर रहा है, कोई बाहर से कोई इंसान आके वो कर रहा है कि भगवान कर रहा है. तो वो कैरेक्टर ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, तो वो अपने आप निखर के बाहर आ जाता है. गौतम बीइंग एक्टर बीइंग डू यू थिंक नाउडेज व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री इट इज आल्सो देयर इन द लाइक टेलीविजन आई एम टॉकिंग अबाउट हैशटैग मी टू. अच्छा मी टू जी ऑनेस्टली जितना भी बार सुना है जितना भी बार हो रहा है जो मी टू कैंपेन आई टोटली सपोर्ट इट. मैं बिल्कुल उसमें हामी भरता हूँ क्योंकि जो भी उसमें कोई टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी कि आपके साथ 10 साल पहले कुछ हुआ या कोई किसी ने बदतमीजी की या कुछ भी आपके साथ हुआ तो आप 10 साल के बाद नहीं आ सकते. बिल्कुल आ सकते हैं आप बाहर, मगर एट द सेम टाइम सिर्फ मेरा एक ही मानना है कि दोनों चीज़ें साथ में फॉलो होनी चाहिए. आप बाहर भी आइए, आप उनका नाम भी लीजिए, आप सोशल मीडिया जाइए, न्यूज़ चैनल जाइए, मगर एट द सेम टाइम एक लॉ को भी फॉलो कर लीजिए, एक NC या FIR साथ में करवा लीजिए. तो वो प्रूफ बन जाता है कि आप सच में उस इंसान, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप ये कर रहे हैं दूसरा इंसान आप पे दूसरा काउंटर कर रहा है. तो अगर जिसके साथ भी हुआ है आई एम टोटली विद देम, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से अगर आप पूछें चाहे तो दोनों साथ में फॉलो होने चाहिए. आप ये भी कीजिए और साथ में वो भी कीजिए. बट डू यू थिंक इज अ फेयर टू पॉइंट ऑफ द बिग बिग सेलिब्रिटी बिग लेजेंड लाइक अमिताभ बच्चन एंड विदाउट एनी प्रूफ पॉइंटिंग समवन विद इज लाइक नोन बॉलीवुड लेजेंड एंड ऑल? जी मैं सिर्फ अपने बारे में ऑनेस्टली मेरी मैं प्रक्रिया रख सकता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में. अब किसके साथ पर्सनली क्या हो रहा है मैं नहीं बोल सकता. अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं मी टू के साथ में हूँ, मैं डेफिनेटली 100% साथ में हूँ. मैं चाहता हूँ कि जितने बाहर आ सकते हैं बोले, मगर एट द सेम टाइम लीगल रूट भी साथ में लें कि ऐसा ना हो कि एक ही तरफ बोला जा रहा है, नहीं तो फिर प्रूफ कैसे करोगे आप कौन सही है कौन गलत है. जब आप ये कर रहे हो तो आपकी सीरियसनेस पता लगती है आपकी कितना सीरियस है आप इस चीज़ को लेकर. Okay, thank you guys.